इस पीसीबी में P0 का एरर आ रहा है, और P0 का एरर आने का कारण क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पे लगभग इस फॉल्ट से आप लोग भी यानी फेस किए होंगे या आप लोग के सामने आया होगा ऐसा फॉल्ट, जिसमें जब भी आप देखिए P0 का एरर क्यों आता है, तो FO वोल्टेज या IPM संबंधित कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो P0 का एरर आएगा। और P0 का एरर आने का इसमें मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि SMPS ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो मैकेनिक हैं उनके पास गया होगा, तो उन्होंने ये मॉड्यूल लगा करके यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व किया है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है पावर सप्लाई अगर इस समय जो P0 का एरर आ रहा है ये चलेगा, अभी हम चालू करेंगे तो चलेगा भी, और जैसे ही लोड पड़ेगा तो ये P0 का एरर शो कर देगा। उसके पीछे का कारण है 5 वोल्ट, अभी हमारे ही वीडियो पे किसी भाई ने कमेंट किया था कि करंट कम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास करंट क्या है, कौन सी कंडीशन में है, क्योंकि हम मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब आप मत संदेह करिए। यहाँ पे क्या होता गया है कि इस कैपेसिटर पे अगर 200-250 भी वोल्ट अगर बनते हैं तो हमारा SMPS एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बनावट होती है। SMPS का मतलब हो गया कि स्विच मोड पावर सप्लाई जो बोलते हैं, तो वो कम वोल्टेज होने पे उसकी रेंज आप देखेंगे तो 90 वोल्ट से ऑपरेट होकर के 390 वोल्ट तक के रेंज में वो वोल्टेज बना लेती है। तो यहाँ से जब वो वोल्टेज बन जाएगा यानी इसके ज़रिए, और यहाँ पे वोल्टेज वही बनेंगे जो होने चाहिए, क्योंकि ये रिफरेंस यहाँ पे सेट किया हुआ होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो उस कंडीशन में आपका 90 वोल्ट है तब भी ये सप्लाई बन जाएगी, लेकिन आगे का प्रोसीजर नहीं होगा। जैसे इस कैपेसिटर की मेन वोल्टेज क्या है, उस वोल्टेज का रिफरेंस सेट करके इस माइक्रो कंट्रोलर को बता दिया जाता है कि 280 होगा तब चलेगी, या उससे ऊपर होगा तब चलेगी। ये अलग अलग सर्किट में अलग अलग बनावट होगी। तो 280 से कम होता है, 270 अगर होता है तो ये PFC को फिर जनरेट कराएगी, ताकि वो कॉयल के ज़रिए फिर से PFC बने और बूस्ट अप होकर के ये इस कैपेसिटर पे सप्लाई बनाए रखे। तो ये काम हो जाता है इसका भेजने का, इसी को मॉनिटर ये करती है। अगर ये सप्लाई कम हुई तो ये मॉनिटर करके बंद कर देगी और उसका संबंधित एरर दे देगी। यहाँ पे 12-5 फिक्स हो जाता है, 12-5-15 जो भी है। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो 15 वोल्ट की जो सप्लाई जो हमारे ड्राइव के लिए IPM को जाती है, वो सप्लाई अभी यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट पे ये एक्टिवेट यानी चालू हो रहा है, ये कंप्रेसर चालू हो जा रहा है, लेकिन वो 12 वोल्ट जो है वो भी फ्लक्चुएट करके अगर जैसे ही कम होगा तो ये तो बंद हो जाएगा, या 13 वोल्ट है तो अभी मान लीजिए चालू है, 12.5 है तो चालू है, तो जबकि होना चाहिए 15, 12 के बदले बन रहा है 10, और जो 8 वोल्ट बनती है 8 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाते हैं, तो ये अगर कम हो जाती है तब भी बन जाएगी, सप्लाई तो बननी रहेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे संभवतः इसीलिए ये बिठाया गया है, क्योंकि रिफरेंस यहाँ पे सेट करना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो इसका जो है आपको वीडियो जो रिफरेंस सेट करते हैं इसका मैंने एनिमेशन बना लिया है, वो वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। हमारा कुछ अभी कारण है इसके लिए मैं अभी थोड़ी देरी हो रही है वीडियो की, ठीक है। वो हो सकता है कि वो कंटिन्यू हो जाए क्योंकि मेरा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसी पावर सप्लाई को बनाएं, हम इसको वापस निकाल दे रहे हैं।
क्योंकि इसका डालने का मतलब है कि हमारा चॉपर सही है। अगर चॉपर ख़राब हो जाता है तब हमें यहाँ पे सोचना है, लेकिन हम इसमें ओरिजिनल जो आईसीयू होती है वो डालेंगे और फिर इस सप्लाई को चालू करेंगे। तो इस सप्लाई को चालू करेंगे, चालू करने के बाद हमें 15 वोल्ट चाहिए। 15 वोल्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। आप समझिए कि जो 12 वोल्ट बनना है वो 10 वोल्ट बन रही है, यानी लगभग लगभग परसेंटेज मिलाइए, जो 15 होना चाहिए वो 12 बन रही है, तो परसेंटेज मिलाइए, तो उसी अनुपात में हमें यहाँ पे रिफरेंस को बढ़ा देना है। ये आपको ग्राफिक के वीडियो में मिल पाएगी, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और मोबाइल का स्पेस बहुत हमारे पास कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 15 वोल्ट की सप्लाई है, इस तरफ से आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 15 वोल्ट है। तो 15 वोल्ट के बजाय यहाँ पे जो हमें बन रही है वो यहाँ पे आप देखिए तो 13 वोल्ट हम मान सकते हैं, वो भी फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, कुछ पॉइंट फ्लक्चुएट कर रही है। दूसरा अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो हमारी दूसरी सप्लाई है, यहाँ पे आप देखिए 10 वोल्ट बन रही है, तो इससे तो नहीं चलने वाला है। चलेगा भी, अभी कंप्रेसर ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, 13 वोल्ट है तो चल जाएगा, लेकिन होना चाहिए 15 वोल्ट। अगर 15 वोल्ट से कम होगा तो चलते चलते, अभी आता है बहुत से फॉल्ट ऐसे आप लोग को मिलेगा जिसमें ये बोला जाता है कि हमारी जो आईपीएम है या हमारी जो सर्किट है वो चलते चलते 3 मिनट या 4 मिनट के बाद जो है वो बंद हो जाती है। तो अभी 17 पे टेम्परेचर है, ठीक है, 17 पे टेम्परेचर है, देखिए 17 पे टेम्परेचर है और सप्लाई भी इसकी कम है, लेकिन फिर भी ये चालू होगा। तो देखते हैं कौन सा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे आईपीएम के पास जो सप्लाई है 15 वोल्ट, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं कि वही सप्लाई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये चलते चलते बंद होना इसका लाजमी है, और अभी कंप्रेसर चालू हो गया और ये वोल्टेज देख रहे हैं कि अभी भी है, तो ये आना ही आना है। थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो ये एरर आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीसीबी चल गई बस, नहीं, वोल्टेज 1 वोल्ट तक कुछ कम बेसी हो तो चले, अनुपात में होगी। अनुपात की मैं बात इसलिए करता हूँ, अनुपात होता है जैसे 10%, 10% कम बेसी हो सकता है, लेकिन वो भी मायने रखता है वोल्टेज के ऊपर। अगर जो आपके पास 1 वोल्टेज की रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे 0.9 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल को निकाल दिया, ठीक है, इसे निकाल दिया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और सेम आईसी मैंने इसमें बिठा दिया, आप नंबर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे और इसकी पावर सप्लाई देखते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने बैठा सिर्फ आईसी बिठाया हूँ और कुछ नहीं किया, तो अभी हम इसे ऑन करते हैं। तो अभी मैंने ऑन कर दिया और ये देखिए, और यहाँ पे फिर वही वोल्टेज आप वापस देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, वही लगभग 13 वोल्ट के आसपास अभी भी यहाँ पे बन रहा है। तो हम जहाँ से चले थे वहीं पे हैं, ठीक है। हुआ क्या है कि सामने जब भी इस तरह से फेलियर आता है तो फटाफट क्या किया जाता है, ज़्यादातर मैं बार बार बोलता हूँ कि मेन आपके पास अगर जिस दिन ये नॉलेज हो गया SMPS के बारे में, तो आप 90 नहीं बोलूँगा,
60% मैकेनिक मैं बोल दूंगा कि आप हो गए हैं, SMPS को करेक्ट कर लेना। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले वाले जो ये मॉड्यूल था इसमें भी यह भी सही है, ऐसा नहीं है कि यह ख़राब है। मैंने इसे इसलिए निकाल दिया कि इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। एक IC से काम हो जाएगा और IC की जो यानी बोर्ड की जो गुणवत्ता होगी वो ऐसे ही रहेगी, इससे भी रहेगी गुणवत्ता, लेकिन ये इधर उधर पड़ा रहेगा। तो ये परफेक्ट हो गया। अभी आप समझिए कि इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनलिटी इसकी हो गई। अब इसके बाद ये असली गेम यहाँ पे है, ये है यहाँ के रिफरेंस में ही ये अंतर होता है। अच्छा, ये वोल्टेज हो कम क्यों होता है? तो ज़्यादातर SMD के फेलियर होने से, और यहीं पे सब बनाया गया है। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास ऐसी मोबाइल भी नहीं है और ऐसा कैमरे का जूमिंग नहीं है, और रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कैमरे का सपोर्ट बना हुआ है, बट यहाँ पे मैं काम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि लेवल कभी बहुत डाउन चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। लेवल का मतलब बोले तो कभी माइक्रोवेव की स्विचिंग वगैरह करिए, तार जोड़िए, तो ये सब कैमरा अब इतने फिटिंग में ये सब करना संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये वोल्टेज के लिए है। ठीक है, ये वोल्टेज इससे हम कम बेसी करेंगे, इससे एम्पेयर को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी बना सकते हैं। इसका मैं डायग्राम अगर आप बोलेंगे तो इसकी मैं परफेक्ट वीडियो अलग से ही बना दूंगा। तो ऐसे बना के रखिए, यानी हमें इससे जो है, अभी अगर मैं बात करूं तो इससे मैं वोल्टेज जो है करीब करीब 24 वोल्ट तक मैं इसे बढ़ा सकता हूं। और देखिए ये चीज़, ये 24 का 30 32 वोल्ट बन रहा है, ये वाला इस्तेमाल करना है। इसका खासियत ये रहती है कि इधर आप घुमाते जाएंगे फिर वापस रिवर्स लेते जाएंगे ऐसे, तो ये स्लोली स्लोली वोल्टेज को एडजस्ट करता है, यानी हम जितना चाहेंगे उतना वोल्टेज कर सकते हैं, पॉइंट में भी रोक सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे तो इसलिए ये वाला थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन है तो ठीक ही, मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो अब भी मैंने यहाँ पे जो बैटरी है इसको चार्जिंग में लगाया है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप बना सकते हैं। अब मैंने ये बनाया है और इसकी पूरी वीडियो है, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। मैं करंट थोड़ा कम कर देता हूं क्योंकि इधर से नज़र हटी, दुर्घटना घटी, तो मैं इसको 200 मिली से ही चार्जिंग करता हूं। चलिए मेन बात पे आते हैं। तो अब हम इसका रेफरेंस सेट करेंगे, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको मैं PDF जो मैं बनाया हूं उसके अनुसार ही बताऊँगा, तो आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसका रेफरेंस सेट कर लेता हूँ, 15 वोल्ट परफेक्ट करता हूँ, इसके बाद फिर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ये सप्लाई है, ये जो उधर से सप्लाई आएगी यानी जिस पे आप रेफरेंस सेट करेंगे, तो 15 वोल्ट की सप्लाई है, यानी 12 वोल्ट पे सेट है, तो 12 वोल्ट से ये लगी हुई अट्रक है कि एक रेजिस्टेंस है 4.7 की, और यहाँ पे एक 334 यानी 330 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, दोनों समानांतर में हैं ये दोनों। तो ये वाली रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो करके 4.7 से ये ऊपर चला गया था, ऊपर बोले तो ये 5 के आसपास में शो कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस ख़राब थी यानी ये रेजिस्टेंस, इसे मैंने चेंज कर दिया, ये वैल्यू इसका शिफ्ट हो गया था, बाकी सब वैसे ही है। तो एक बार इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं 15 वोल्ट के पॉइंट पे, और यहाँ पे 15.15 वोल्टेज बन रहे हैं। अब इसमें जो है P0 का एरर नहीं आएगा क्योंकि PCB अभी परफेक्ट हो गई। जब भी रेफरेंस सेट नहीं होता है तो अक्सर करके हम जल्दी जल्दी यही समझते हैं कि IC ख़राब है, ये है वो है, तो
ऐसा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह की वीडियो बनती रहेगी। बहुत जल्द आपको परफेक्ट वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी।